हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या आप लोग डी फार्मा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं उसमें आप लोग चीटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पकड़े ना जाए, और कितनी वार्निंग आपको प्रॉक्टर द्वारा दी जाएगी, सॉफ्टवेयर द्वारा आपको कितनी वार्निंग दी जाएगी, ये सब तमाम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। तो एक पहली चीज़ आपको बता दें कि एज ए टीचर हम चीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम आपको सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि आप चीटिंग करिए। आप पहली चीज़ तो बिल्कुल आप फोकस होकर पढ़ाई करके अपने एग्जामिनेशन को दीजिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए। लेकिन इन केस अगर कुछ कसर रह जाती है या फिर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, तो आप इन तमाम हथकंडे को अपना कर एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं। अगर आपको अच्छा लगे मेरे सुझाए हुए तरीके तो आप फॉलो करिए और एग्जामिनेशन में एक बेस्ट मार्क्स गेन करिए। देखो, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहला काम जब भी आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो तो आपको प्रॉक्टर क्या क्या बोल सकता है और किस लिए आपको UFMO में डाला जा सकता है, ठीक है, और कितनी वार्निंग दी जा सकती है। तो पहली चीज़ आपको कम से कम 25 वार्निंग दी जाएगी। 25 वार्निंग के जब आप ऊपर चले जाएंगे तब आपको दिक्कत खड़ी होगी, तो 25 वार्निंग तक आपको दिक्कत नहीं आने वाली है कोई भी, ठीक, 25 वार्निंग तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप चीटिंग कैसे करेंगे, देखो आपको फेस कैमरे के सामने रखना है, फ्रंट पे। तो आप कुछ चीज़ों की चिट, आप अगर लैपटॉप से अपना पेपर दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों की चिट आप लैपटॉप के स्क्रीन पे, साइड स्क्रीन पे चिपका सकते हैं, वो कैमरा डिटेक्ट नहीं करता है। जो आपका बैक कैमरा होता है वहाँ से आप चीटिंग कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है कि आपका माइक्रोफोन ऑन होना चाहिए, ऐसा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की गाइडलाइन में है। तो आप एक ख़राब ईयरफोन लीजिए जो चलता ना हो। आजकल मार्केट में 20-25 रुपए का ईयरफोन मिलता है, आप उसको लेके किसी तरीके से ख़राब कर दीजिए, ठीक है, और उसको लैपटॉप, ये लैपटॉप के लिए ही एलिजिबल है ये तरीका, तो लैपटॉप के डिवाइस में आप उसको लगाइए, और लगाने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ये बता देगा कि हाँ आपने माइक को यूज़ किया हुआ है, ठीक है, अब उस माइक से आवाज़ नहीं जा रही, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सॉफ्टवेयर ये आपको बता देगा, वहाँ के जो कंट्रोल एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उनको बता देगा कि हाँ इन्होंने माइक यूज़ किया हुआ है, लेकिन अब माइक में किन वजहों से, किन परिस्थितियों से आवाज़ नहीं जा रही है, ये एज ए स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। प्रॉक्टर आपको चैट बॉक्स में अगर बोलता है कि आपके माइक से आवाज़ नहीं आ रही, तो आप बता दीजिए सर हमने माइक कनेक्ट किया हुआ है लेकिन किन्हीं रीजन से आवाज़ नहीं आ रही। उसके बाद आप एक टेबल के ऊपर लैपटॉप को ऐसे रख लीजिए, माइक कनेक्ट करके नीचे आप एक बंदे को बैठाइए और अपने क्वेश्चन को तेज़ी से पढ़िए, ठीक है, इतना तेज़ी से ना पढ़िए दो चार गांव वालों को सुनाई दे, इतना आराम से पढ़िए कि केवल नीचे वाले को सुनाई दे जो टेबल के नीचे बैठा हुआ। उसके पास एक स्मार्टफोन रहेगा, आप क्वेश्चन पढ़िए, वो अपने आप गूगल करके आपको फिंगर के तरफ से इशारा करके बता देगा कि हाँ इसका राइट आंसर ये है। तो ये अपना तरीका है दूसरा। तीसरा तरीका आपको क्या करना है कि आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन चल रहा है, आप अपना इतना ही पार्ट केवल दिखाइए उसमें, और आप नीचे वाले पार्ट को मत दिखाइए। तो आप अपने थाई पे कोई बुक्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बुक्स में ऑनलाइन एग्जामिनेशन में किसी चीज़ को सर्च करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। या फिर आप बैक कैमरा के सामने एक स्मार्टफोन रख सकते हैं, और इतना पार्ट आएगा तो आपका वो कैमरा, जैसे अब ये मेरा हाथ है ये नीचे चला गया तो वो कैमरे में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उतनी चीज़ें आप वहाँ से नीचे से सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि आप अपने फ्रंट जेब पे एक मोबाइल रखिए, उस मोबाइल से अपने किसी फ्रेंड को वीडियो कॉल करिए, और कैमरे का जो पोर्शन है उसको फ्रंट साइड स्क्रीन साइड में रखिए, जो लैपटॉप का आपका स्क्रीन है उस पर रखिए, और वो जो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि जब आपका वीडियो कॉल होता है तो एक तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, और तो लैपटॉप की स्क्रीन आपके फ्रेंड को शेयर होगी और आपका फ्रेंड जो है गूगल करके या फिर बुक्स की मदद से आपको आंसर दे सकता है। लेकिन उसके लिए आपको एक जो छोटा सा माइक्रोफोन आता है उसको आपको लगाना पड़ेगा अपने ईयरबड में, ठीक है, ईयरबड जिसे बोलते हैं उसको। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो इसको हमारा सजेशन यही है कि आप इसको बिल्कुल ना यूज़ करिए, ठीक है। नेक्स्ट तरीका है कि आप एग्जामिनेशन अगर दे रहे हैं तो एक तरफ लैपटॉप रख लीजिए, एक तरफ मोबाइल रख लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप
15 सेकेंड 16 सेकेंड के लिए, 15 सेकेंड शायद लिखा हुआ है गाइडलाइन में, आप स्क्रीन से अपनी नज़रों को हटा सकते हैं। उस दौरान अगर आप साइट से फ़ोटो क्लिक करके अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं इतना स्मार्टली तरीके से, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो अच्छा यही है, ये सब तमाम सुझाव हैं हमारे तरफ से, इस तरीके से आप नकल कर सकते हैं। अब इसमें से जो भी आपको सुझाव अच्छा लगे वो आप फॉलो करिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कोशिश करिए लैपटॉप से पेपर को देने के लिए और इतना ही फेस आपका उसमें आए, ठीक है। ऐसे कई बच्चे हैं जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं और उन्होंने पूरे साल भर, मतलब वो पैसे के दम पे डिग्री ले रहे हैं और उन्होंने पढ़ाई नहीं की है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि उनको चीटिंग करना है, ठीक है। ये सारे तरीके उन्हीं के लिए हैं जो क्लास नहीं किए हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की हुई है। मेरा किसी भी स्टूडेंट को या फिर एज टीचर इन सब चीज़ों को प्रमोट करने का बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है, और आप इन सब तरीकों को फॉलो बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। अगर आप बहुत मतलब ऐसी परिस्थिति में हैं कि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, तब आप इन सब चीज़ों की तरफ अग्रसर होइए, अदरवाइज़ मेरा कोई सुझाव नहीं है इन सब चीज़ों को फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ यार एक काम और कर दो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ना लाइक करते हो वीडियो को, ना दोस्तों के साथ शेयर करते हो, ये कोई काम नहीं करते हो। तो यार बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।